एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर नवरतन, आज फिर हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सेवेंथ वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, इसके बाद सेवेंथ का ही ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि जर्नल एंट्री क्या होती है। सेकंड हमने देखा, उसमें दो केस डिस्कस करे थे, एक कैपिटल का और दूसरा बैंक में अकाउंट ओपन कर। उसी के आगे नेक्स्ट सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट वाला सेवन का पार्ट वन, और उसके बाद हम सेकेंड पे आइए। चलिए आज बात करते हैं और जर्नल एंट्री की और ट्रांजैक्शंस की। देखिए आज बात करेंगे हम परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, और किसी भी बिजनेस में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि या तो आप नगद खरीदेंगे किसी चीज को, और या हम उधार खरीदेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? परचेज की। किसकी बात कर रहे हैं? परचेज। मान के चलिए कोई भी गुड्स, देखिए दो चीजें होती हैं, जिस कमोडिटी में बिजनेस डील करता है, जिस कमोडिटी में बिजनेस डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। जो भी चीज में डील कर रहा है तो हम उसे गुड्स में यूज करेंगे। अगर अदर देन गुड्स के अलावा अगर कोई चीज परचेज कर रहा है तो हम उसको परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो यहां का ध्यान रखिएगा, अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो वहां पे गुड्स वर्ड यूज होगा। तो हम जब परचेज कर रहे हैं किसी भी माल को, यानी कि गुड्स को, तो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया कैश हो सकता है, और सेकेंड केस क्रेडिट हो सकता है। या तो हम उसको नगद खरीदेंगे या हम उसको उधार खरीदेंगे। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर मान के चलिए हमने माल को नगद खरीदा, यहां पे आप देखिएगा डेट आपको अपने हिसाब से मेंशन करनी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, बट सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले डेट वो आएगी जो पहले हुआ है ट्रांजेक्शन, उसके बाद वो आएगी जो बाद हुआ। तो यहां पर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके भी अलग अलग दो पार्ट होते हैं, जो कि हम ये डेबिट करते हैं और ये क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप नहीं एक बार भी वीडियो देखी है तो गोल्डन अकाउंटिंग रूल करके एक वीडियो मेरी है, उसमें आप जाके उसको देखिएगा। उसमें सेपरेटली पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को वहां पे बताया है, ठीक है। अब हम पर्सनल अकाउंट की रूल की बात करें तो जो भी हमारे पास रिसीव हो रहा है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो हम हमारे से जाता है यानी कि गिवर है उसे हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। व्हाट कम्स इन अ बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इन अ बिजनेस आर डेबिटेड, व्हाट गोज आउट आर क्रेडिटेड। नॉमिनल का होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और इसी में क्रेडिट का नियम होता है इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? जब हम माल को परचेज कर रहे हैं, जब हम माल को परचेज कर रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए जो रियल अकाउंट का पार्ट है, उसमें मैंने एग्जांपल भी बताए थे, कैश किसका पार्ट है? रियल का। गुड्स किसका पार्ट है? रियल का। तो यहां पे देखिएगा कि जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हम जब परचेज करें तो हमको कुछ अमाउंट उसको देना भी है।
और क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि गुड्स हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, यानी कि गुड्स हमारे पास आ रहा है तो हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप डेट अपने मन से डालिएगा, मगर सीक्वेंस में हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डीआर टू, और रूल क्या कहता हमारा कैश का, कि व्हाट गोज आउट, यानी कि जो कम से जा रहा है, तो जा क्या रहा है हमारे यहां से, कैश। तो हमको इस तरह से समझना पड़ेगा, एज अकाउंटेंट समझना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस में क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, कहां से हमको रिसीव हो रहा है, कहां हमको देना है, कौन से हमारे खर्चे हैं, कौन सी हमारी इनकम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टू कैश। अगर ये अमाउंट मान के चलिए 2000 का है तो हम 2000 यहाँ लिख देंगे और 2000 यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखिएगा विदाउट नरेशन आप कोई भी एंट्री पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तो आपको यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी द कैश परचेज गुड्स रुपीज सो एंड सो, जो अमाउंट है उसके लिखते हैं आप क्लोज कर दीजिए और ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है, वो भी जनरल एंट्री। आपको कैश परचेज का समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्रेडिट परचेज की। क्रेडिट परचेज में भी जब हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज बच्चों क्या होता है कि हम किसी चीज को परचेज तो कर रहे हैं बट हम वहां पर कैश वहां पर हम नहीं दे रहे। जब हम कैश नहीं देते हैं और क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे लिए वो व्यक्ति क्रेडिटर हो जाता है। मान के चलिए आप उसमें लिख लीजिए अपने बुक में कि 10,000 रुपए का माल राम से क्रय किया, परचेज फ्रॉम राम 10,000, परचेज फ्रॉम राम 10,000, तो यानी कि हमने किससे परचेज करा है, राम से, तो क्रेडिट में हमारे पास कौन आ गए, राम, और हमने क्या परचेज करा है, गुड्स परचेज करा। तो जब हमने गुड्स परचेज करा है और हमारे पास यहाँ पर जो व्यक्ति है, क्योंकि हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं, नगद नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और जो भी क्रेडिटर हमारे लिए होता है वो हमेशा हमारी लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा सेम टू सेम जो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, गुड्स ऑलरेडी हमारे पास आएगा, चाहे हम कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, गुड्स हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। गुड्स अकाउंट डीआर मान के चलिए 5000 का था, टू, अब यहाँ पे जब हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा, टू राम, कितना 5000। और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन होगी बीइंग द क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम रुपीज 5000। इसको लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन यहां पे खींच लें। तो ये क्या हो गया, दो बातें हो गई, कैश रिलेटेड परचेज रिलेटेड। तो एक हमने बात करी कैश परचेज की, जिसमें हम एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डीआर, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहा है, कैश हमसे जा रहा है, तो गुड्स अकाउंट डीआर टू कैश 2000। सेकेंड हमने एंट्री करी क्रेडिट परचेज की, जिसमें हमारे पास अभी भी गुड्स आ रहा है पर हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे लिए लायबल हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगी, तो हमने उसको क्या कर दिया, टू राम। यहां तक आपको समझ में आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में भी हमारे पास यही दो कंडीशन होती है, फर्स्ट होती है हमारा कैश सेल्स और दूसरा होता है हमारा इसमें भी हमारे पास यही कंडीशन होती है फर्स्ट होती है हमारे पास कैश सेल
बात करते हैं कैशलेस। जब हम किसी व्यक्ति को नकद माल बेचते हैं तो सिंपल सी एंट्री यहां पे अगर हम आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि नकद माल बेचा 3000 रुपए का, कैश सेल्स 3000। तो यहां पर देखेंगे जब हम किसी को कैश सेल देते हैं या नकद माल बेचते हैं तो नकद का मतलब कैश और पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैश किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। और जब हम बेचेंगे उसको तो पैसा हमारे पास आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको इस तरह से समझना है कि मैं बिजनेस हूं, अब मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो हमको ये देखना है, और हमारा रूल भी ये कहता है जो चीज आपके पास आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डीआर कितने से? 3000 का था तो हम लिखेंगे 3000 टू। अब हमने क्या करा है? माल को बेचा है, तो बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स। यानी कि हमारे यहां से माल बेचा गया किस फॉर्म में? सेल्स फॉर्म में। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? टू सेल्स कितना? 3000। और यहां पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो आपका रुपीज है वो हम लिख के फिर हमको एक अंडरलाइन कर देंगे जनरलाइन, क्योंकि ये क्या है? नकद। दूसरा इसका पार्ट होता है क्रेडिट। तो जैसे हमने परचेज की बात की थी तब हम हमारा वो क्रेडिटर हो गया, इसी तरह जब हम क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा क्या हो जाता है? डेटर हो जाता है, देनदार हो जाता है, हमारी संपत्ति हो जाती है। तो हमको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो क्रेडिटर है मतलब जो क्रेडिट पे अगर माल को बेच रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम वो हमको पेमेंट करेगा, बट एट दैट टाइम उसने हमको पेमेंट नहीं किया तभी वो क्रेडिट है। यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि मोहन को 4000 रुपए का माल बेचा, मोहन को 4000 रुपए का माल बेचा, सेल टू मोहन 4000 रुपीज, तो यहां पे क्या है कि हमने उसको क्रेडिट पे बेचा। जब हम सेल करेंगे तो सेम नेचर है हमारा कि जब हम सेल करते हैं तो जो बैलेंस है वो क्रेडिट पे है, और यहां पर हमारा जो बैलेंस आएगा उस व्यक्ति का नाम आएगा, क्योंकि वो हमको अब पैसा नहीं दे रहा। जब वो पैसा हमको नहीं दे रहा, मैंने आपको बताया वो हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति या एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो हम यहां पे क्या करेंगे? मोहन डीआर, देखिए मैंने यहां पे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, आपको पूछना भी चाहिए कि अकाउंट वर्ड आपने क्यों नहीं लिखा। अकाउंट वर्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अपने आप में पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उसके नाम से ही यहां पे पता चलता है, तो जरूरी नहीं है उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड लगा। तो हमने क्या करा? मोहन डीआर टू, और जितने के क्योंकि हमारा सेल तो हुआ ही है, गुड्स को हमने सेल किया है, और गुड्स जब सेल हो रही है तो हमारे पास जो रूल कहलाता है रियल अकाउंट का, व्हाट गोज आउट आर क्रेडिटेड। तो हम क्या कर देंगे? सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। कितने का था? 4000 का। और यहां पे लिख देंगे बीइंग क्रेडिट, बीइंग क्रेडिट सेल्स फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो ये आपको दो एंट्री मैंने आपको बताई, एक परचेस से रिलेटेड, आपको एक कैश से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कैश का अलग आता है, उसमें व्यक्ति का नाम नहीं आता। जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति का नाम आता है, कैश नहीं आता। दोनों में एक कंफ्यूजन जरूर रहता है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। कहीं कहीं वर्डिंग में दिया होता है या न्यूमेरिकल में दिया होता है, कैश भी दिया होता है और व्यक्ति का नाम भी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम को 10000 रुपए का नगद माल बेचा, राम को 10000 रुपए का नगद माल बेचा। अब यहां पे कैश भी आ गया और यहां पे राम भी आ गया, तो जहां
कैश वर्ड आ जाता है नाम के साथ, तो उन सभी ट्रांजेक्शनों को, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या वो सेल से रिलेटेड हो, उन सबको हम क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। दोबारा सर सुन लीजिए कि जहां दोनों वर्ड आ जाते हैं, कैश भी आ जाता है, व्यक्ति का नाम भी आ जाता है, तो हम उसको, ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं, क्योंकि वहां पर वर्डिंग क्लियर है कैश नगद। तो उस केस में उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। सिंपल, जो हम कैश की एंट्री करते हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, हम उसको उसी तरह से जैसे हम कैश की एंट्री करते हैं वैसे हम उसको आगे कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं उनका क्या किया जाए। हम यहां बात करते हैं एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंसेस में कोई क्रेडिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा तब वहां पे बताऊंगा कि हम प्रीपेड होता है, स्टैंडिंग होता है, वो बात की बात है, मगर अभी आपको केवल इतना समझना है एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मजदूर के वेजेस के 3500 रुपीज पेड की, ये हमारा क्या है? फर्म का क्या है? एक्सपेंसेस। यहां पर हम जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जब मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं यानी कि पेड कर रहा हूं, तो यहां पे मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब कैश बैलेंस यहां पे कम होगा, तो मैंने आपको रूल बताया था, कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है और कैश हमारा जा रहा है, फर्म से पैसा जा रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? टू कैश। अब देखिए कहां जा रहा है, वो हमारे क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो हमको यहां पे ये देखना होगा, ये क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? डेबिट का। तो आपको ये जो सीक्वेंस है इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या है? एक्सपेंसेस है, डेबिट करे हुए हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड इन अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी हमारा क्या है? वेजेस है, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेजेस अकाउंट हियर कितना था? 3500, और हमारा बैलेंस कितना कम हो गया? 3500। यहां पे हम लिख देंगे बी द वेजेस पेड बाय कैश, यहां पे आपको बात समझने की ये है कि कोई भी एक्सपेंसेस हो, ये मेरा एक्सपेंसेस की एंट्री करेगा, तो इसी एंट्री में आपको मैं 10 एंट्री और ऐड कर देता हूं, और आपको यहां पर समझना होगा कि कोई भी एक्सपेंसेस जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो हम रेंट दे रहे हो तो रेंट अकाउंट यार, चाहे हम उसका कोई भी टैक्स दे रहे हो, या हम इंश्योरेंस के दे रहे हो, या हम वेतन दे रहे हैं मतलब सैलरी दे रहे हैं, या कोई फ्रेट दे रहे हैं, वो सभी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। वो सभी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये सभी एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर का जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सभी क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो मैं इसी एंट्री में कम से कम 10 एंट्री कनेक्ट करता हूं, यानी कि यहां पर अगर मैं वेजेस हटा देता हूं, यहां पर मैं वेजेस की जगह एक वर्ड लिख रहा हूं, उसमें लिखिएगा ऑल एक्सपेंसेस, और उसके आगे मैंने डॉट डॉट लगा दी है। इस एक्सपेंसेस जो वर्ड है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस है उनको हमको पेमेंट करना है, तो यहां पर हम केवल वर्डिंग चेंज करेंगे। सैलरी अकाउंट या टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैश, कमीशन अकाउंट या टू कैश, किराया दिया, रेंट अकाउंट या टू कैश, वेतन के दिए, सैलरी अकाउंट या टू कैश, मजदूरी दी, वेजेस अकाउंट या टू कैश, भाड़ा दिया, फ्रेट अकाउंट या टू कैश, ढुलाई दी, कैरेज अकाउंट या टू कैश। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, प्लीज आप इस चीज को देखिएगा, एक ही एंट्री की तरह होंगे, टू कैश होगा, क्योंकि नेचर सबका सेम है,
सब में आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंसेस आपके पेड हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हो आपके, आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंसेस से रिलेटेड। समझ में आ गया आपको, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सबको डेबिट कर देंगे और टू कैश, कुछ नहीं करना। ठीक, फिर हम बात करते हैं देखिए इनकम में हमारा जो रूल होता है, इनकम के लिए जो रूल है नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट होता है और उसमें क्या रूल कहलाता है कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यानी कि यहां पर जितनी भी इनकम होगी हमारी क्या होगा, क्रेडिटेड। इनकम जो भी होती है वो हमेशा हमारे पास कैश लेके आती है, यानी कि अगर मेरे को इंटरेस्ट मिला, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए रेंट की बात करता हूं, क्योंकि कोई फैक्ट्री है या मेरी जो है कोई बिल्डिंग है या कोई लैंड है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है, उससे मेरे को कुछ सर्टेन रेंट मिलता है 10,000 के आसपास, तो ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। जब मेरे को रेंट मिलेगा, मैं आपको बार बार कहता हूं ऐसा बिजनेस के तौर पर आप समझिएगा कि मेरे को जब रेंट मिलेगा तो कंपनी क्या हो जाएगी, वो इनकम, और इनकम क्या होती है हमेशा क्रेडिट, और जब इनकम हो जाएगी मेरे को मिला तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल, जब हम कैश की बात करते हैं तो रियल अकाउंट का बात आएगी, और रियल अकाउंट क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी चीज आ रही है व्हाट कम्स इन आर डेबिटेड, तो हमारे पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश जब हमारे पास आ रहा है तो हम यहां पे क्या कर देंगे, डेबिट करना है कैश अकाउंट डीआर, मान के चलिए 10,000 है तो हमने अमाउंट लिख दिया कितना, 10,000, और इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनकम को क्रेडिट। तो आपको अपने प्रैक्टिकली आपको ये समझना होगा इनकम क्या है, क्रेडिट होती है, कहां होती है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट होती है तो हम यहां कर देंगे टू, क्रेडिट के लिए हम टू लगा देंगे, और कहां से इनकम हो रही है, रेंट हमको मिला है तो हमने क्या कर दिया, टू रेंट, कितना हो गया, 10,000। विदाउट करेक्शन कोई भी आप जनरल एंट्री नहीं करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे, बीइंग द कैश रिसीव्ड बाय रेंट। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, हमको कहीं से भी इनकम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक्सपेंसेस के केस में बताया था, इसी तरह मैं आपको यहां पे भी बताता हूं, कहीं से कोई इनकम होती है इसमें भी हमारी कम से कम 6 या 7 एंट्रियां होती हैं जो इनकम हमारे पास रिसीव होती है, तो जब हम हमारे पास इनकम आएगी तो हम हमारा कैश बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिस भी सोर्सेज से हमारे पास इनकम आ रही है उस सोर्सेज को आप यहां पर क्या लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। तो यहां पे मैं एक वर्ड लिख देता हूं, ऑल इनकम, उसके आगे मैंने लगा दिया डॉट डॉट, यानी कि मेरे पास जितनी भी इनकम होंगी, जहां से भी मेरे पास पैसा आएगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा, क्योंकि तो पैसा इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली हमारा कैश बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो व्हाट कम्स इन के रूल का पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है, तो हमारे पास हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। अब इनकम कहां से आ रही है, रेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान के चलिए डिस्काउंट मिला तो कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट, मान के चलिए कमीशन मिला कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, मान के चलिए इंटरेस्ट मिला कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। अगर आपको कोई भी इस तरह की चीजें अगर आपको इनकम के रूप में मिल रही है तो हमको केवल उस वर्ड को यहाँ पे लिखना है जिस सोर्स से आपको मिल रही है। ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू रूल हमारे इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो हमने यहाँ पे जितनी भी इनकम होंगी या गेन्स होंगे उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये एक पूरी समरी मैंने आपको इसमें बताई, ये जनरल एंट्रियां हैं, इसमें मैंने आपको 6 केस डिस्कस करे हैं, फर्स्ट कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश
कर सकते हैं। इसी तरह इनकम से रिलेटेड 7 या 8 एंट्रियां होती हैं, वो भी हम इसमें आराम से कर सकते हैं। वो जैसे अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग तो अलग अलग एंट्रियां होती हैं, मगर एक जनरल जो एंट्रियां होती है हर एक नोमेरिकल में वो 5, 6, 7, 8 ही होती है। तो ये दोनों ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगली जो क्लास होगी, आज को हम इस लेक्चर को हम यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ हम सब स्पेशल केसेस की बात करेंगे, यानी कि कुछ अलग हटके जो एंट्रियां होती हैं उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छी तरह समझना है इसको, एक बार आप वीडियो को देखिएगा, इसके जो रूल्स हैं उनको याद करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।